कैलाश गहलोत ने क्यों छोड़ दिया केजरीवाल का साथ, इस्तीफे की क्या है असली कहानी। नमस्कार, मैं पलक जैन और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को उस समय बड़ा झटका लगा जब ताकतवर मंत्री कैलाश गहलोत ने अचानक इस्तीफे का ऐलान कर दिया। उन्होंने ना सिर्फ मंत्री पद छोड़ा बल्कि पार्टी से भी नाता तोड़ लिया है। इस्तीफे के एक दिन बाद ही वो भाजपा में शामिल हो गए। कभी खुद को केजरीवाल का हनुमान कहने वाले कैलाश का आखिर क्यों मोह भंग हो गया? क्या यमुना की सफाई और शीश महल की वजह से गहलोत ने राहें अलग कर ली, या फिर पर्दे के पीछे कुछ और भी चल रहा था? भाजपा में शामिल होते समय कैलाश गहलोत ने कहा था कि ये रातों रात लिया गया फैसला नहीं है। उनकी बात काफी हद तक सही भी है। दरअसल कई जानकार बताते हैं कि कैलाश गहलोत भले ही लंबे समय तक केजरीवाल के विश्वास पात्र रहे हों, लेकिन पिछले कुछ महीनों में चीजें बदल गई थी। ना तो वो पार्टी में सहज महसूस कर रहे थे और ना ही केजरीवाल को अब उन पर उतना भरोसा रह गया था। अरविंद केजरीवाल जब जेल गए उस समय तक कैलाश गहलोत उनके सबसे बड़े विश्वास पात्रों में से एक थे। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के जेल से इस्तीफे के बाद केजरीवाल ने गहलोत पर ही सबसे ज्यादा भरोसा जताया था। उन्हें वित्त समेत कई अहम मंत्रालय सौंपे गए थे। हालांकि जून में ही बड़ा फेरबदल करते हुए केजरीवाल ने गहलोत से वित्त, राजस्व समेत कई अहम मंत्रालय वापस लेकर अतीशी को सौंप दिए। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद से ही रिश्तों में खटास आने लगी। अहम मंत्रालय छीन लिए जाने के बाद गहलोत नाराज थे। रही सही कसर तब पूरी हो गई जब केजरीवाल ने इस्तीफे के बाद गहलोत को दरकिनार कर अतीशी को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया। इसके अलावा केजरीवाल ने जेल से एलजी को लेटर लिखकर 15 अगस्त को अतीशी को तिरंगा फहराने का अवसर देने की भी मांग की थी। बावजूद इसके एलजी वीके सक्सेना ने इसका हक कैलाश गहलोत को दे दिया। एक तरफ जहां दिल्ली सरकार के सभी मंत्रियों का केंद्र और खासकर एलजी वीके सक्सेना के साथ टकराव दिखता था, तो दूसरी तरफ कैलाश गहलोत अक्सर उनके साथ मिलकर अपने विभाग का कामकाज करते थे। माना जा रहा है कि आप और गहलोत के बीच आई दरार के पीछे एक वजह ये भी है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए अर्थ प्रकाश टीवी।